Hey guys, what's up? Welcome back to another video. This is your host Karthik and कैसे हो आप सब लोग. So yeah, previously जो video shoot किया था, मोटो व्लॉग शूट किया था, I hope so कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा. In this video, I will be doing a small unboxing of a stuff which we all require when we are traveling on motorcycle. खास करके helmet पहनने से पहले हम वो पहनते हैं. तो yeah, I'm talking about balaclava. So ये जो balaclava है, ये मेरा बहुत पुराना वाला है जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था. तो अब टाइम आ गया है भाई इसको ज़रा साइड में रखने का. ये मोटोटेक का था, ऑलमोस्ट शायद से मैंने कुछ 250 या 300 का समथिंग लिया था ये वाला. एंड काफ़ी पुराना है एक्चुअली. मुंबई गया था तभी, वहाँ पे कौन सा तो मोटरसाइकिल स्टोर से ख़रीदा था मैंने, तो काफ़ी टाइम तक यूज़ किया. बट प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो रहा है कि बियर्ड सब ग्रो हुआ है ना, तो इसमें एकदम ऐसा चिपक के रहता है और यहाँ पे लाइनिंग्स आ जाता है बाद में, तो वो एक प्रॉब्लम आ रहा है इसमें. तो मैंने सोचा कि मुझे एक मल्टीपर्पज़ balaclava चाहिए. काफ़ी सारे मैंने देखे हैं balaclava, तो ऑलमोस्ट सबका तो क्वालिटी मुझे सिमिलर ही लगा. बस फ़र्क इतना है कि सभी लोग अपने अपने ब्रांड के हिसाब से बेच रहे हो और हर एक का रेट अलग अलग है. मैक्सिमम विच आई सॉ वॉज 500 या 600 रुपीज़ का था, और मिनिमम जो मैंने देखा अराउंड 250 रुपीज़ का था. तो उसका पर डिज़ाइन अलग था 250 वाले का. ये जो मैंने लिया, ये 350 में लिया हुआ है. लेगेर का जो है, इसमें भी MRP अगर आप देखोगे तो 499 का, अगर आप इसमें फोकस हुआ तो. सो 499 का है, लेगेर का है. वैसे तो मैंने खोल के देख लिया है, बिकॉज देखना पड़ता है अगर वापरा हुआ दिया रहेगा तो. तो बाय द वे ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा हुआ है, एंड इट इज़ मस्ट नीडेड स्टफ बेसिकली. अगर हेलमेट के अंदर आपको पहनना है कुछ और मल्टीपर्पज़ चाहिए, मतलब नीचे भी करना होना चाहिए सब, और नॉर्मली बाहर अगर आप ट्रैवल करते रहोगे तो भी आपको चाहिए नीचे करके, मतलब घूमना रहेगा तो एंड ऑल, तो उसके लिए बेटर है ये. इसमें मोटरसाइकिल का भी है और काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं. तो जस्ट देखते हैं खोल के, आपको बताता हूँ मैं कैसा दिखता है करके. ये तो काफ़ी बेसिक सा है, और इसका जो मटेरियल है ये ब्रीदेबल मटेरियल है. इसमें क्या होता था, एकदम गरम गरम लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि पसीना तो सोख लेता था. ये कॉटन का है बट स्टिल एकदम ऐसा गरम गरम लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि ब्रीदेबल टाइप है करके. थोड़ा जाड़ा है इसका कपड़ा, इसके लिए अभी तक टिका हुआ है. मेरा दोस्त ने भी मेरे बाद लिया था कुछ सेम ब्रांड का, बट उसका फट गया था. तो या तो एनीवेज दिस वन, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. और इसका स्टिचिंग बेसिकली मुझे देखना था कि प्रॉपरली स्टिच्ड है क्या करके. कुछ लोगों को मतलब कंप्लेंट रहता है कि स्टिच निकल गया है वगैरह वगैरह, तो देखते हैं अभी पहन के कैसा दिखता है करके. मैं फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ, पहन के देखा नहीं था, जस्ट मैंने प्रोडक्ट टेस्ट किया था कि कैसा है, प्रॉपरली आया है या नहीं करके. सो या बेयर विद माई हेयर्स, बिकॉज वो तो ख़राब होने ही वाले ये पहनेगा तो. ओके, मुझे यहाँ पे साइड में स्क्रीन में देखना पड़ता है. सो या, सो दिस इज़ हाउ द balaclava लुक्स. इसके ऊपर आप हेलमेट पहनोगे तो बेटर रहेगा. अभी प्रॉब्लम ऐसा था इसमें, ये जो है ये ऐसा आप कर सकते हो इसमें, ये वाला जो balaclava था इसमें ऐसा कर नहीं सकते हो. बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको क्यों नहीं कर सकते हो. इसमें जो ये है स्टिचिंग्स है यहाँ से ना, ये देखो ये डबल वाला ये दिया गया है, इसके वजह से ना ये इजीली ऐसा नीचे होता है और आप नॉर्मली ऐसा पहन भी सकते हो. अभी आपको लगता रहेगा कि इतना मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये लूज़ पड़ जाएगा, लूज़ नहीं पड़ेगा बिकॉज इसका स्टिचिंग यहाँ से ऐसा है. तो इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, और काफ़ी ब्रांड जो है, काफ़ी जो ब्रांड है मार्केट में उन लोग भी है ना अपने नाम से बेच रहे इसको, हर एक का ब्रांड का वैल्यू डाल के, मतलब रेट ज़्यादा भी, कोई कोई लोग का 500 भी है, 600 भी है, जो भी है रेट डिपेंड की स्टिचिंग. कभी कभी वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट रहता है तो आप वो चेंज कर सकते हो, बट कंपैरेटिवली ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. और इसमें कैसा है कि आप बाल को ऐसा नॉर्मली ये करके ईजिली कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्ट्रेचिंग है इसका. अभी हेलमेट पहन के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा करके. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं ऊपर कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पे लेगेर का ब्रांडिंग है, लोगो है उनका, और यहाँ पे भी किधर तो है नीचे के साइड में. तो जैसे कि आपको पता है अपना सोल का हेलमेट है, और काफ़ी अच्छा हेलमेट है ये, तो इसमें परफेक्टली होना चाहिए. ओके, ये थोड़ा नीचे जाता है. ओके, तो कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हो. अगर आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, मतलब मेरा आवाज़ तो आई थिंक सो ऑडिबल रहेगा, इतना अच्छा माइक है तो. एनीवेज सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप जस्ट ऐसे नीचे कर सकते हो, और इजीली सब कुछ हो सकता है. फिर वापस से आप ऊपर कर सकते हो इसको.
बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रहा है, हर एक राइडर को पता है कि ट्रैफिक में या फिर इंटरनल सिटी में अगर आप जब भी ट्रैवल करोगे तो एक चीज़ प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जब भी आपका ये नीचे रहता है तभी, तो उसके लिए आप कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो यार इसे नीचे कर देते करके, तो इसमें वो फीचर आपको होता है करने के लिए। अब मैं आपको प्रीवियस वाला दिखाता हूँ कि क्यों उसमें नहीं होता है करके। सही है, ये हो गया, अभी इसे निकालते हैं। इसे एक बार धोना भी पड़ेगा, नया है ना इसके लिए, नहीं तो खुजली विजली हो सकता है। वैसे मेरे को इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, स्किन एलर्जी का सब, स्टिल सेफर साइड के लिए करना बेटर है। तो ये मेरा जो है ये प्रीवियस वाला है मोटोटेक का, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ओके सो जैसा कि देख रहे हो आप, ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, टाइट है, प्रॉपर है। आज तक इसका स्टिच का मुझे कोई इशू नहीं आया है। एक ही प्रॉब्लम है कि देखो ये ऐसा है ना, एकदम ऐसा चिपक के रहता है ना, तो दाढ़ी है ना सब ऐसा लगता है कि मुंह के अंदर जाएगा वगैरह। और एक चीज़ है, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, ये जो पार्ट है ये स्ट्रेचेबल नहीं है। इसको आप ऐसा करोगे तो ये टाइट ये हो जाता है, नाक के ऐसा होल के ऊपर ये हो जाता है देखो, तो वो तकलीफ़ होती है बिकॉज ये जाड़ा है ना इसके लिए। और ये पूरा ऐसा हम नीचे तक नहीं ला सकते आप, बिकॉज ये स्ट्रेचिंग नहीं होता इसको। वैसे तो हेलमेट में प्रॉपरली बैठता है, बट ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। अभी भी जस्ट मैं बाहर जाके, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, बार बार मैं कर रहा था, वो इसी के वजह से कर रहा था, बिकॉज बाहर इतना गर्मी है और प्लस इतना जाड़ा वाला चीज़ पहन के जाने का, प्लस अपने पुलिस लोग बोलते हैं कि हेलमेट के अंदर भी तुम मास्क पहनो। राइडर को नॉर्मली मालूम है, जो भी लोग अच्छा वाला हेलमेट पहनते हैं, MT का, सोल का या फिर कोई भी SMK का हेलमेट पहनते हैं, सबको मालूम है कि पैडिंग एकदम स्ट्रांग रहता है उसका, एकदम टाइट रहता है, नॉर्मली कंफर्टेबल टाइट रहता है। उसके अंदर अगर मास्क पहनोगे तो बार बार ऐसे नीचे चला जाएगा हेलमेट पहनते हो। बट वो पुलिस को अपन जस्टिफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को, रूल्स रूल्स है, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेटर गो विद बेलाकावा। तो या ये जो है नया वाला बेलाकावा है, आई थिंक सो इट इज़ वर्थ द प्राइस, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 340 का समथिंग मैंने परचेस किया है। प्राइम में परचेस किया बिकॉज प्रॉब्लम ये था, अगर मैंने नॉर्मल इसमें परचेस किया रहता तो 40 या 50 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता था। बेटर है कि प्राइम से परचेस करते, डिलीवरी चार्जेस नहीं देना पड़ता। सो या वर्थ इट। ये लोगो है यहाँ पे और एक नीचे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है लेगे, नॉर्मल एकदम बेसिक सा लिखा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ फैंसी विंसी आइटम नहीं है। सो ये एक चीज़ मस्ट है, नॉर्मली अगर आप धूल वाले जगह से जा रहे हो तो ये बेटर है, बिकॉज क्या होता है कि आपका नाक पूरा मतलब कवर कर देता है आराम से अगर धूल वाले जगह से आप जा रहे हो तो। तो या एक छोटा सा अनबॉक्सिंग था, आई फेल्ट कि ये थोड़ा बहुत यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज कैसा है कि हर एक को हेलमेट के अंदर ये पहनना चाहिए, नहीं तो बाल पूरा है ना झड़ने भी चालू होते हैं कभी कभी, एंड स्किन भी काफ़ी लोगों का टैन हो जाता है धूप के वजह से, तो इट इज़ बेटर ऑप्शन। सो या आई थॉट कि वाई नॉट शेयर विद यू गाइस, एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स, और इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग अबाउट दिस बेलाकावा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर दिस विद योर फ्रेंड इफ दे आर विलिंग टू परचेज दिस, एंड या इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग गाइज, टिल देन स्टे सेफ, बाय।